तो नमस्ते दोस्तों, मैं फुलचंद प्रजापति केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से। आज ये वीडियो जो है मैं आपके लिए खास इसलिए लाया हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं हमारे पास, कस्टमर भी आते हैं, और वो कस्टमर ये कहते तो ज़रूर हैं कि हमको चालू करना है, बट वो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर रहता है कि मैं स्टार्ट करूँगा तो बिज़नेस आगे जाएगा या फिर डाउन जाएगा, किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना होगा। बहुत सारी चीज़ें उनके मन में आती रहती हैं। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे टॉपिक जो है उस पर कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको बता पाऊँगा कि आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और पॉइंट क्या क्या आप वहाँ पे रखना चाहें तो आप उसको रख सकते हैं। पहली चीज़ ये आती है कि काफ़ी सारे लोग आते हैं, काफ़ी सारे व्यूवर्स आते हैं, तो बोलते हैं कि हमने बजट तो सेट किया है, लेकिन हम जो टोटल बजट है, फिर उस बजट में अगर हम बजट लगा देते हैं, बजट लगाने के बाद हमको प्रॉफिट मिले कि ना मिले, या इस तरीके का मन मतलब उनका इधर उधर डगमग करता रहता है। तो कुल मिला के ये रहता है कि लोग कॉन्फिडेंस नहीं हो पाते हैं कि अगर बिजनेस चालू करेंगे तो उसमें, जैसे जॉब होती है तो जॉब करते हैं, अपन जॉब करते हैं तो जॉब में क्या रहता है कि एक सिक्योर रहता है, अपने को पता है कि भाई 30 तारीख तक काम करेंगे तो अपने को पहली का जो है वो सैलरी मिलना है। बट बिज़नेस एक अलग चीज़ है। बिज़नेस में आप पहले ही पैसा लगाएंगे, वो जो सैलरी उसमें लास्ट में मिल रही है, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा और लास्ट एंड पे आपको जो टोटल जो आपकी इनकम होगी वो लास्ट एंड पे पता लगती है कि आपने टोटल महीने में क्या कमाया है। बट ये है कि वहाँ पे लिक्विडिटी आपको बराबर बनी रहती है। जैसे आप कोई भी बिज़नेस आज चालू कर रहे हैं तो आपने आज पैसा लगा दिया है, और पैसा लगाने के बाद फिर आप मान के चलिए कि उसमें जो है स्टार्टिंग में जितना भी पैसा आप लगाते हैं, तो लगाने के बाद आप जब बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं तो स्टार्ट करने के बाद आपको लिक्विडिटी चालू हो जाएगी। मतलब आप अगर ऐसा प्रॉब्लम सोच रहे हैं कि हाँ भाई अपने पास ऐसा प्रॉब्लम रहेगा, तो रहता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। बट इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको अगर होशियारी से काम लेंगे तो फिर आपको हर तरीके की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, एक बजट आप डिसाइड करते हैं। आप सपोज डेट किसी बिज़नेस में, आप आज के मान के चलिए कि काफ़ी सारी कंपनीज बोलते हैं कपड़े में बिज़नेस आप करना चाहते हैं तो उसमें चाहे 5,000, 10,000 जो भी आप लगा रहे हैं, बट उसमें अगर आप मैक्सिमाइज करके करते हैं तो मान के चलिए आप बोलते हैं मेरे को कि भाई मेरे पास 1,00,000 रुपया है, मैं कपड़े का बिज़नेस करना चाहता हूँ। तो दोस्तों मेरा कहना ये रहता है कि आप 50% उसमें इन्वेस्ट कीजिए, 50% अपने पास रखिए। यानी कि वो पैसा आप अभी अगर जो इनकम नहीं हो पा रही है उसमें, आप उसके अलावा वो पैसा अगर सेफ आपके पास बचा रहता है तो एटलीस्ट कोई दिक्कत नहीं। जो डर का जो प्रॉब्लम है ना, उसको एक क्लियर हो जाएगा कि भाई अगर बिज़नेस नहीं भी चला तो फिर दिक्कत होगी, तो वो पैसा कहीं ना कहीं एक जगह सेफ बचा रहता है। अब बात आती है कि जो 50% पैसा आप इसमें लगाना चाहते हैं उसमें कुछ फर्नीचर का पार्ट भी आ जाता है, कभी कभी चीज़ें होती हैं आप नया भी बनवा सकते हैं, या आप कहीं से, जैसे बहुत सारी जगह होती है पुरानी दुकानों में आप सर्च कर सकते हैं फर्नीचर अगर जैसे दुकान का, तो कुछ लोग क्या होता है कि मतलब दुकान चेंज करते हैं या दुकान का पुराना फर्नीचर या नए में डालना चाहते हैं, तो चाहे आप उसका पेंटिंग वगैरह करके भी उसको रीयूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपको स्टार्ट करना है, कम पैसे में इन्वेस्ट करना है, तो चीज़ें भी अपने को रखनी है और प्लस ही प्लस जो है कम पैसे में ही शुरुआत करनी है, तो वो चीज़ों को आप एक नया जैसा भी बना सकते हैं, मतलब लाइक पेंटिंग वगैरह भी पेंट करा के और इस तरीके को उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपका काफ़ी सारा कॉस्ट सेविंग हो जाता है, जहाँ पे अगर मान के चलिए कि 20-30 हज़ार में जो चीज़ें लग रही है तो हो सकता है वो 10,000 या 8,000 में ही आपका पूरा का पूरा फर्नीचर का काम हो जाए। ये सेकेंड हैंड, वो डिपेंड करता है कि आप जिनसे भी मतलब जो है वो पुराना फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो वो आप बार्गेनिंग करके कर सकते हैं। अब बची जो टोटल कॉस्टिंग आती है, यानी कि आपने 1,00,000 का बजट बनाया था तो 50,000 उसमें निकाल दिए हैं, उसके बाद 10,000 बचा हुआ है। अब बात ये आती है कि वो जो 40,000 रुपये बचे हैं उसका आपको प्रोडक्ट लाना है। प्रोडक्ट जो भी आप प्लान करके जो है चल रहे हैं वो आपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग करना है। एरिया के अकॉर्डिंग आप टेस्ट समझें, या दुकानों पर आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा चीज़ें पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी आपका कंपटीटर ये नहीं चाहेगा कि आप उसके बगल में ही दुकान कर लें, या आप कहीं भी दुकान करने वाले हैं तो मोस्टली ऐसे केसेस में से देखा गया है कि लोग बहुत कम ही गाइड कर पाते हैं। बट अगर किसी भी एक बिजनेसमैन मतलब या मैन्युफैक्चरिंग या होलसेलर से मैं बात करता हूँ, तो वो ज़रूर आपको रियल में, अगर रियल जेन्युइन एक मैन्युफैक्चरर है या रियल में एक जेन्युइन जो है वो होलसेलर है, तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा और आपको वो हेल्प भी मिलेगी जिससे आप अपना बिज़नेस आराम से सेटअप कर सकें।
तो जो 40,000 का आपका बचता है बजट, उस बजट में आपको जो वैरायटी लेनी है वो वैरायटी पहले से ही आप नोट डाउन कर लीजिए कि हमको अगर मान के चलिए 40,000 इन्वेस्ट करना है, साड़ी में इन्वेस्ट करना है, तो साड़ी में इन्वेस्ट करना है तो भाई 10,000 रुपये का आपने प्रिंट साड़ी ले लिया अगर आपके यहाँ टेस्ट जैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपने 10,000 रुपये में मान के चलिए कि 10,000 का बजट आपने वर्क साड़ी में ले लिया, अभी उसमें जो बचता है 10,000 की चीज़ों में और अगर आपके पास बच रहा है, क्योंकि अभी 40,000 रुपये टोटल इसमें अपने को इन्वेस्ट करने हैं, तो उसमें 10,000 का आपने अगर कुछ ऐसा जो सिल्क का आइटम बनता है वो भी, क्योंकि आजकल ऑल ओवर इंडिया में सिल्क का चल रहा है, प्रिंट का भी टेस्ट रहता है, तो इस तरीके का आप ले सकते हैं। उसके बाद 10,000 जो बचता है उसमें कुछ और एडिशनली, जैसे कि साड़ी के साथ में ब्लाउज भी चलता है तो ब्लाउज आप ले सकते हैं और उसके साथ साथ में पेटीकोट भी ले सकते हैं। तो आप 5,000 का ब्लाउज ले लीजिए, 5,000 का पेटीकोट ले लीजिए, तो आपके पास क्या है कि वैरायटीज़ बहुत सारी हो जाती हैं। तो आप यहाँ पे जैसे कि 10,000 में जो आपने फर्नीचर वगैरह कराया है और उसके बाद आपने 40,000 का माल मांगा इसमें अपनी शॉप में भरा हुआ है, तो ये मान के चले कि आपके पास जो है मोटा मोटी पूरी हिसाब में आपकी दुकान पूरी सेटअप हो जाती है और आप अच्छे तरीके से उसमें जो है पूरा कम्प्लीटली अच्छे गेटअप में रेडी कर लेते हैं। तो अगर आपका ये चीज़ रेडी हो जाता है तो आपको अब स्टार्ट करना है। स्टार्ट तभी हो सकता है क्योंकि दुकान जो होता है, कहते हैं दुकान करना, उसमें सेल्स भी आपको थोड़ा थोड़ा, आप चाहें तो बुक्स भी पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, आजकल मीडिया सोशल मीडिया का ज़माना है, तो किस तरीके से आप एक कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं उसके बारे में जो है काफ़ी सारे सोर्स हैं, उसके माध्यम से आप पढ़ के भी मोटिवेट हो सकते हैं। और मतलब मोटिवेट का मतलब ये है कि आप अपने कस्टमर को कन्विंस कर सकें जिसमें कि आपकी सेल आराम से जो है जनरेट हो जाए। फिर स्टार्टिंग ये आती है कि आप अगर अपने बिजनेस में जो भी उसमें पूरा टाइम दें, मतलब उसका कोई ऐसा नहीं है कि आप जॉब कर रहे थे तो जॉब का एक पर्टिकुलर टाइम है, बट बिजनेस का टाइम अलग होता है। कस्टमर आने का भी आपको आइडिया लग जाता है कि भाई कपड़े का जुड़ा बिजनेस है तो चलो ठीक है, अर्ली मॉर्निंग भी आप कर सकते हैं, फिर दोपहर में भी 1-2 घंटे के लिए रेस्ट ले सकते हैं, या शाम के टाइम आप लेट इवनिंग में ज़रूर खोलना है, क्योंकि क्या होता है कि कस्टमर कभी कभी शॉपिंग करने के लिए शाम के टाइम में आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो है, क्योंकि पास कस्टमर के पास भी टाइम रहता है और आपके पास भी टाइम रहता है, तो मोस्टली आपका सेल उस टाइम काफ़ी अच्छा हो सकता है। और इसी तरीके से जो है आप इसमें जो है थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करते रहें और साथ ही साथ में और नई वैरायटीज़ भी, जिनसे भी आप माल ले रहे हैं, सपोज दैट आप किसी भी मैन्युफैक्चरर से माल ले रहे हैं तो उनसे भी आप जुड़े रहें, नई वैरायटीज़ लेते रहें, किस तरीके से आपको वैरायटीज़ और कौन सी कवर करनी है वो आपको कस्टमर भी गाइड करते रहते हैं और साथ ही साथ में जिनसे आप माल ले रहे हैं वो भी आपको गाइड करते हैं कि आप इस तरीके की वैरायटी और रखिए जिससे आपको डिज़ाइन जो है पूरा का पूरा कस्टमर आपके पास आ सकें। तो इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं और जो आपका 50,000 रुपये बचा हुआ है उसको आप अभी सेफ रखिए। अब फर्स्ट टाइम आपने 40,000 का परचेजिंग कर लिया है तो मान के चलिए कि फिर नेक्स्ट टाइम आपको उसमें जो भी प्रॉफिट, मान लीजिए 10 दिन में आपने 20 दिन में जो भी उसका सेल किया है, 20,000 या 30,000 का सेल किया है, तो उस पैसे को आपको जो है अपने खर्चे में नहीं लेना है, उस पैसे को आपको री इन्वेस्ट करना है। मतलब मान के चलिए कि 20,000 का माल बेचा है तो उसमें मोटा मोटी मैं मान के चलता हूँ कि जो भी आपको अच्छा उस पर मार्जिन मिला हुआ है, आपको 8,000-10,000 का मार्जिन मिला, 20,000 में आपको 30,000 बना हुआ है, तो आप उस 30,000 को फिर से इन्वेस्टमेंट कीजिए, अभी आपको उसमें अपने खर्चे के लिए नहीं लेना है। तो आप ये चीज़ें जब उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका वो बिज़नेस जो है ग्रो करना चालू कर देगा और जब बिज़नेस ग्रो होगा तो डेफिनेटली आपकी भी ग्रोथ होगी। तो इस तरीके से आप चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और इसी तरीके से मेरे वीडियोस या मेरे कलेक्शंस को भी आप देख सकते हैं और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा कलेक्शन देखना है तो आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी गूगल पे जाके सर्च कीजिए keseriatextilecompany.com, तो वहाँ पे भी हमारा वेबसाइट आपको मिल जाएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाता है, साथ ही साथ में यूट्यूब में भी मेरे वीडियोज़ आप देख सकते हैं आराम से। और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर यूट्यूब पे विज़िट कर रहे हैं, और अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे विज़िट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो फॉलो ज़रूर कीजिए। तो मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।